अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम। आप देख रहे हैं मिल्कीज फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। आज किसी रेसिपी के हवाले से बात नहीं करेंगे, आज भी हम मोल्ड के हवाले से बात करेंगे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी राउंड केक मोल्ड की, जिसमें सारे डिफरेंट साइजेस थे राउंड मोल्ड के। तो कमेंट्स के अंदर मैंने जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, उसमें था कि सर स्क्वायर मोल्ड के बारे में भी बता दें ताकि आप लोगों को और ईजी हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला आज हम बात करेंगे स्क्वायर मोल्ड के हवाले से, कितने इंचिस का मोल्ड है, कितने अंडे जाएंगे और कितने पाउंड का आपका केक बनेगा। इसके अलावा साथ ही वेदर चेंज हो रहा है, सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा क्रीम के हवाले से भी आपको गाइड करूंगा कि क्रीम को हम कैसे व्हिप करेंगे। ये भी मैसेजेस सीन किए थे और बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं, इंशाल्लाह ताला मैंने जो सीन किए हैं आज उस टॉपिक पर भी आपसे बात करने लगा हूँ। सबसे पहले हम आएँगे राउंड मोल्ड के अंदर 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हर डिफरेंट साइज के मोल्ड हैं, ठीक है। फ़र्क क्या है कि जो हम राउंड मोल्ड जो 6 इंच का हमने मोल्ड लिया था राउंड में, तो उसमें हमने 1 पाउंड का केक बनाया था, लेकिन स्क्वायर में क्या होगा कि 6 इंच में हम 2 पाउंड का केक बनाएंगे, इतना फ़र्क होगा। अंडे कितने यूज़ होंगे इसके अंदर, 3 अंडे यूज़ होंगे और इसको हम बनाएंगे 2 पाउंड का केक, ठीक है। 2 पाउंड का केक बन जाएगा, ये मैं लिख भी चुका हूँ ताकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं भूल भी जाता हूँ, आप लोगों को नहीं बता पाता। तो इसके अंदर ये 6 इंच का मोल्ड है स्क्वायर में, इसके अंदर 3 अंडे यूज़ होंगे और ये बनेगा हमारा 2 पाउंड का मोल्ड। राउंड में 6 इंच का जो मोल्ड था उसमें हमने 1 पाउंड का केक बनाया था, लेकिन स्क्वायर में थोड़ा सा चेंज है, 3 अंडे यूज़ होंगे इसके अंदर और ये केक बनेगा आपका तकरीबन जाके 2 पाउंड का। और इसके अंदर 1 अंडे के अंदर 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम चीनी, हर रेसिपी के अंदर अंडे की क्वान्टिटी सेम होगी। इसके बाद हम लेंगे 7 इंच का मोल्ड, ये हमारे पास 7 इंच का मोल्ड है, इसके अंदर 3 पाउंड का केक बनेगा, 7 इंच में 3 पाउंड का। राउंड में 7 इंच में बनता है 2 पाउंड का केक, लेकिन स्क्वायर में इसके अंदर 3 पाउंड का केक बनेगा और इसके अंदर अंडे यूज़ होंगे 4 आपके, ठीक है जी। इसके अंदर वही 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम चीनी, ये 2 मोल्ड हो गए। फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप मेरी राउंड केक वाली वीडियो उठा के देखेंगे, तो इसको अगर आप देखेंगे तो 1 अंडे का फ़र्क आ रहा है और मोल्ड में 7-8 इंच के मोल्ड में फ़र्क आ रहा है, जिसमें हम 2 पाउंड का बना रहे थे उसमें हम 3 पाउंड का बना रहे हैं स्क्वायर के अंदर। उसके बाद ये जी 8 इंच का मोल्ड है, 4 पाउंड का केक बनेगा इसके अंदर, 8 इंच का मोल्ड है, 4 पाउंड का केक है, इसके अंदर 5 अंडे भी यूज़ हो सकते हैं और 6 अंडे भी यूज़ होंगे। 6 अंडे यूज़ करेंगे थोड़ा सा हाइटेड हो जाएगा, तो फिर आपका इसमें पाउंड भी बढ़ सकता है, ठीक है। 4 पाउंड की बजाय 5 पाउंड भी कर सकते हैं अगर आप इसकी 3 लेयरिंग काटेंगे, तो इसके अंदर भी 1 अंडे का हिसाब 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम चीनी, तो 8 इंच में 4 पाउंड का केक बनेगा और 5 से 6 अंडे यूज होंगे, ठीक है जी। ये हो गया, उसके बाद आ जाते हैं हम, ये है हमारे पास 9 इंच का मोल्ड, 9 इंच का मोल्ड 5 पाउंड का केक बनेगा, इसका 5 पाउंड का केक बनेगा, अंडे यूज होंगे 6 और 7, 6 भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको हाइटेड बनाना है तो 7 अंडे भी यूज हो जाएंगे। वही हिसाब, 1 अंडे के नीचे 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम चीनी, बहुत ही ईजी कर दिया आपके लिए इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद ये है हमारे पास 10 इंच का मोल्ड, 10 इंच का मोल्ड 6 पाउंड का केक इजीली आप इसके अंदर बना सकते हैं, 6 पाउंड का मोल्ड इजीली आप स्पंज केक बनेगा इसके अंदर, 7 अंडे भी यूज होंगे, 8 अंडे भी यूज हो सकते हैं, 8 में थोड़ा सा हाइटेड हो जाएगा और 7 में नॉर्मल बिल्कुल इक्वल आएगा, तो आप इसके अंदर बनाएंगे तकरीबन 6 पाउंड का केक। अच्छा जी, अब है हमारे पास 11 इंच का मोल्ड है और इसमें हम बनाएंगे 7 पाउंड का केक, तकरीबन 7 पाउंड का केक बनेगा। अंडे कितने यूज होंगे, 9 अंडे भी यूज हो सकते हैं, 10 अंडे भी यूज हो सकते हैं, 1 अंडा जो हम एक्स्ट्रा यूज करें वो इसकी हाइटेड की वजह से यूज करें ताकि इसकी थोड़ी सी हाइट ऊंची हो जाए तो आपका केक लुक वाइज, और अगर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर थोड़ा सा वजन यानी कि थोड़ा सा वेट इसका ऊपर नीचे हो जाता है, टेंशन वाली बात नहीं, आप कस्टमर को डिलीवर कर दो, 19-20 हो जाए, 100 ग्राम ऊपर चला जाए, 100 ग्राम नीचे आ जाए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको आप पाउंड में ही आप डिलीवर कर दें। अगर कम हो जाए, आपका ज़मीर मानता है, तो आप उनको थोड़े से पैसे कम कर दें, बढ़ जाए तो कोई इशू नहीं है, आप उनको ऐसे ही दे दें, क्योंकि ऑलरेडी आप माशाल्लाह केक का पर पाउंड क्या लेते हैं। पर पाउंड के हवाले से भी बात करनी थी सर, क्या पर पाउंड केक चल रहा है, तो क्रीम वर्क जो है अभी महंगाई के हिसाब से 600 रुपये पर पाउंड केक चल रहा है, 600 पर पाउंड क्रीम वर्क, चॉकलेट भी और आपका वनीला भी। चॉकलेट अगर आप बहुत अच्छा केक बना रहे हैं और उसके अंदर मेरी जो रेसिपी है मोइस्ट केक की वो लगा रहे हैं, तो उसमें 800 रुपये पर पाउंड आपने चार्ज करने हैं 1 पाउंड का केक। और अगर आप फॉन्डेंट केक दे रहे हैं तो 1200 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये पर पाउंड आपने फॉन्डेंट केक चार्ज करना है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम जब फॉन्डेंट केक बनाते हैं
2 पाउंड का हम नहीं लेते, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हम लोग लेते हैं। और हमेशा अगर 4 पाउंड का है तो 3 पाउंड का स्पंज लगेगा उसके अंदर, यानी कि 1 पाउंड हमने फ्री रखना है जिसके ऊपर हम फॉन्डेंट कवर करेंगे, और ताकि आप जब उसका वेट करें तो वो आपके कस्टमर को एक्स्ट्रा ना जाए। तो 600 रुपये पर पाउंड, 800 रुपये पर पाउंड, 1000 या 1200 रुपये पर पाउंड फॉन्डेंट केक आप इजीली ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई कस्टमर आपका नहीं मान रहा है कि 700 रुपये ज़्यादा या 800 रुपये, 50-100 रुपये आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी आप अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम केक जो होता है वो आप फिर भी प्रॉफिट में है अगर आप उसकी कॉस्ट निकालेंगे। और मेरी वीडियो जो कॉस्टिंग की वीडियो है वो कॉस्टिंग की वीडियो से आप लोग कॉस्ट निकाला करें हर चीज़ की, तो आपको सही मायनों में अंदाज़ा होगा कि आपने कितने पैसे बचाए और आपको एक केक के ऊपर कितना प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट की तरफ आने के लिए कॉस्टिंग की तरफ आना पड़ेगा, तो आप पहले कॉस्टिंग की मेरी वीडियो देख लें, हर चीज़ की कॉस्ट निकाला करें। अच्छी चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट निकालें, लोकल चॉकलेट यूज़ करें तो उसकी कॉस्ट निकालें, विपी विप क्रीम यूज़ करें उसकी कॉस्ट निकालें, यानी कि एवरीथिंग कोई भी चीज़ आप उसका वजन करें, उसकी कॉस्ट निकालें, क्या चीज़ कितनी डाली। एक पेपर, जैसे ये पेपर वर्क मैंने किया इस टाइम, हर चीज़ को मैंने, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ, हर चीज़ को मैंने डिफाइन किया है। तो आप भी हर चीज़ को मैदा, एक तरफ मैदा लिखेंगे कॉस्टिंग के अंदर, उसके आपने लिखना है कि इतनी चीज़ गई और इतने की पर केजी हमें पड़ रहा है। तो मेरी कॉस्टिंग की वीडियो देखिएगा और हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इस मोल्ड के हवाले से मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कौन सा, और हर अंडे पे 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम चीनी, 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम चीनी, 2 अंडों में, 3 अंडों में 75 ग्राम मैदा, 75 ग्राम चीनी। बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना, दिल करता है 2 पिंच उठा के डाल दें यूज़ करें, और इसके साथ वनीला एसेंस यूज़ करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, अगर आपकी रेसिपी भी ठीक होती है तो फिर आपका टेम्परेचर जो ओवन का है, अगर ओवन का टेम्परेचर आपका ठीक नहीं हुआ तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। एक मैसेज था, सर आपकी रेसिपी को सेम फॉलो किया लेकिन जब ओवन में रखा तो रेसिपी ख़राब हो गई। तो जब मैंने सवाल किया कि ओवन कौन सा था, तो सर पतीले में बेक किया, उसको बार बार खोल के देखते रहे। ऐसी हरगिज़ भी आप ऐसा नहीं कीजिएगा, जब भी आपने पतीले में बेक करना होता है एक दफ़ा उसको रख के टाइम देखना पड़ता है, आधा घंटा, 50 मिनट, 1 घंटा, तब तक आपने उसको खोलना नहीं है। और उसकी जो, उसका जो टेम्परेचर होगा, यानी कि उसकी जो आँच होगी, जैसे हम बिरयानी वगैरह को दम पे लगाते हैं, सेम उसी तरीके से आपने उसको दम पे लगाना होता है। एक सवाल और था आपका, जब भी हम बेकिंग करते हैं बर्नर दोनों ऑन करते हैं? ऑफ कोर्स दोनों ऑन करने पड़ेंगे, एक बर्नर से कभी भी बेकिंग नहीं होगी। प्रैक्टिकल आप खुद करके देख लें, अगर आपको लगता है कि किसी शेफ ने आपको कहा है कि ऊपर की पहले रॉड ऑन करो फिर नीचे की रॉड ऑन करो, तो आपकी इक्वल चीज़ कभी भी नहीं बनेगी। जब तक कोई भी चीज़ आप बनाओ उसको बराबर का ऊपर नीचे से टेम्परेचर बराबर नहीं मिलेगा, एक जैसा कभी भी कोई भी चीज़ बेक नहीं हो सकती। तो ये भी एक बार बार ये मैसेजेस हैं जो मैं काफ़ी टाइम से सीन कर रहा था, और मैं मौका ढूंढ रहा था कि मैं आप लोगों के साथ किस दिन ये चीज़ें शेयर करता हूँ। तो आप कभी भी बेकिंग करेंगे, एवरीथिंग कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो ऊपर और नीचे टेम्परेचर ऑन रखेंगे, अगर उसके अंदर फैन लगा हुआ है तो वेल एंड गुड है, फैन भी ऑन कीजिएगा ताकि परफेक्ट बेकिंग और जल्दी बेकिंग हो जाए आपकी। ठीक है जी, ये तो आ गए हम उन सवालों पे जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे, और भी अभी सवाल है इंशाल्लाह उसको भी हम अभी आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं। तो पहला सवाल क्या था हमारा कि ऑयल की रेसिपी में बटर यूज़ हो सकता है या बटर की रेसिपी में ऑयल यूज़ हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऑयल की जो रेसिपी होती है वो अलग होती है, उसकी जगह बटर नहीं यूज़ होगा, बटर की जगह ऑयल नहीं यूज़ होगा। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल हैं। बटर की जगह शॉर्टिंग आप डाल सकते हैं, बटर की जगह ऑयल नहीं डालेंगे, अगर बटर की जगह ऑयल डलेगा तो पूरी रेसिपी चेंज होगी। मेरी एक वीडियो है जिससे मैंने ऑयल से टी केक बनाना सिखाया है और फिर मैंने बटर से भी टी केक बनाना सिखाया है, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप दोनों रेसिपी की तरफ जाएंगे तो आप देखिएगा दोनों रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हम इसकी जगह, बटर की जगह हम शॉर्टिंग से कवर कर सकते हैं, लेकिन बटर की जगह हम ऑयल से कभी भी कवर नहीं करेंगे। ठीक है, एक सवाल आप लोगों के लिए था, और एक सवाल था कि सर ये इसको मेजर कैसे किया जाएगा? तो आपके पास एक स्केल होना चाहिए जिसके ऊपर ये नंबर लिखे होते हैं, ये हो गया 6 इंच का मोल्ड। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपके पास ऐसा एक स्केल होना चाहिए, ये हो गया 7 इंच का मोल्ड, यानी कि आपने इससे आप मोल्ड का अंदाज़ा कर लेंगे। तो एक ये भी सवाल था, और इसके अलावा आपका एक सवाल और था कि जो ड्राई केक होते हैं उसको हम वजन कैसे करेंगे, उसको हम मेजर कैसे करेंगे? जैसे हम क्रीम केक का वज़न करते हैं सेम उसका भी ऐसे करेंगे। 400 ग्राम, 450 ग्राम का है तो 1 पाउंड का है, 900 ग्राम का है तो 2 पाउंड का है, उसके अंदर भी एक सिंपल से। एक सवाल और था आप लोगों का
कि बटर क्रीम हमें कैसे पता लगेगा कौन कौन से केकों पे हम बटर क्रीम यूज करते हैं। एक तो बटर क्रीम केक मिलता है जब आप बेकरियों में जाते हैं तो एक बटर क्रीम केक रखा हुआ होता है, वो तो सिर्फ बटर क्रीम से ही बनाया जाता है। इसके अलावा तो फॉन्डेंट केक के ऊपर बटर क्रीम अप्लाई की जाती है, फिर उसको ठंडा किया जाता है ताकि जब हम उसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई करें, ठंडा होने के बाद आपकी बटर क्रीम हार्ड हो जाती है, तो फॉन्डेंट वर्क आपसे बड़ा ही ईजिली होता है। बटर क्रीम के आप फ्लावर भी बना सकते हैं। बटर क्रीम के नीचे जो स्पंज लगता है वो आपका टी केक का स्पंज लगता है, और मेरी जो वीडियो है हाउ टू मेक मूस केक की वीडियो है, वो बटर क्रीम के अंदर जब आप खाते हैं उसको तो उसका टेस्ट लाजवाब हो जाता है। स्पंज के अंदर बटर क्रीम कोई टेस्ट नहीं आएगा, स्पंज जो होता है हमारा रेगुलर जो अंडों का जिस पे मैंने ये रेसिपीज आपको बताई है उस पे इतना मज़ा नहीं करेगा आपका स्पंज, बटर क्रीम और स्पंज का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मूस केक और टी केक जो हम टी केक की रेसिपी बनाते हैं तो वो है। इसके अलावा अभी आपको मैं क्रीम के हवाले से भी गाइड करता हूँ। वेदर चेंज हो रहा है जैसे कि मैंने बताया, सर्दी और गर्मी, गर्मियों में हम कहते हैं कि आपकी क्रीम जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी अच्छी विप होगी। अब मैं ही आपसे कह रहा हूँ कि क्रीम को लिक्विड फॉर्म में विप करें, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, अब वेदर आपका ठंडा हो गया है तो जितनी क्रीम आपकी लिक्विड होगी उतनी अच्छी विप होगी। अगर ठंडी क्रीम को आप विप कर देंगे फ़ौरन से विप तो हो जाएगी, लेकिन जब आप केक के ऊपर अप्लाई करेंगे उसको तो केक आपका डी शेप हो जाएगा, यानी कि जब सेकंड डे आप देखेंगे तो क्रीम उसके ऊपर से ढल जाएगी, यानी कि उसकी एक लुक जो होगी वो बिल्कुल वाजे नहीं होगी, ख़राब हो चुकी होगी। क्यों? कि आपने बहुत ज़्यादा ठंडी क्रीम विप की होगी। अब आप जब भी क्रीम को विप करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में करेंगे, क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, सर्दियों की तरफ अब हम जा रहे हैं मौसम में ठंडा के, तो अब आप क्रीम को भी इसी हिसाब से विप करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा क्रीम पे एक दो बातें और थी कि सर हमारी क्रीम सही से विप नहीं होती। क्रीम सही से विप कैसे होगी जब आप उसको सही से विप नहीं करेंगे? आज एक सवाल था, सवाल क्या, उन्होंने एक वीडियो भेजी कि सर ये मैंने क्रीम विप की है और ये अप्लाई नहीं हो रही। तो क्रीम अप्लाई कैसे होगी? जब उन्होंने वो क्रीम दिखाई तो वो बह रही थी। जब आप क्रीम को प्रॉपर विप करेंगे तो क्रीम हार्डनेस की तरफ जाएगी ना कि मेल्टिंग की तरफ। क्रीम को प्रॉपर विप करें, 10 मिनट में आपको लग रहा है क्रीम विप नहीं हो रही, 2-4 मिनट मजीद बढ़ा दें, क्योंकि आपके पास जो बीटर होता है वो इलेक्ट्रिक बीटर है, ठीक है? तो आप 2-4 मिनट मजीद बढ़ा दें, क्रीम को आप अच्छे से विप करें, और मेरी जो वीडियोस हैं क्रीम के हवाले से वो भी इंशाल्लाह हम लोग शेयरिंग करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप लोग भी कीजिएगा, ताकि जैसे कि मैं कहता हूँ कि बेकिंग इंशाल्लाह हर घर में होगी तो वो कैसे होगी, आपकी हेल्प से होगी, मेरी हेल्प से होगी, मैं तो मदद कर रहा हूँ आप लोगों की, आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों ने मज़ीद क्या सीखना है, ठीक है जी। इसके अलावा आपको ये मोल्ड, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.bakehouse.pk के जाके ऑर्डर करेंगे, और स्क्रीन के नीचे ये एक नंबर आ रहा होता है जिस पर मेरा नंबर भी है, और भी डिफरेंट नंबर होंगे जिस पर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। एक सवाल मुझे आपका और याद आ गया, कप और स्पून, तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आप देखें तो मैं अपनी वीडियोस में कभी भी टीस्पून और टेबल स्पून के अलावा कभी भी मैंने कप से मेजरमेंट नहीं की, और मैं हमेशा गाइडलाइन भी आपको देता हूं कि कप ना यूज़ करें, स्पून ना यूज़ करें, एक वेट स्केल ले लें, बेक हाउस से ऑर्डर करें, सस्ता सा वेट स्केल ले लें, तो उससे जब भी आप मेजरमेंट करेंगे कभी भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी दूंगा, जब प्रॉपर बेकिंग आप करना चाहते हैं ना तो आपके पास सारा सामान भी होना चाहिए प्रॉपर तरीके, कभी भी आपकी बेकिंग ख़राब नहीं होगी। सबसे पहले आपको एक वेट स्केल लेना पड़ेगा, जब भी आप उसमें वज़न करेंगे 100 ग्राम 200 ग्राम को वज़न के साथ बेकिंग करें, वज़न के साथ आप प्रॉपर जब रेसिपी को फॉलो करेंगे मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी। टी स्पून टेबल स्पून आप ये 1/4 1/2 ये कप आप स्पून यूज़ कर लें, टेंशन वाली बात नहीं। इसके अलावा 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम ये कप ना यूज़ करें, छोड़ दें इनको यूज़ करना। एक छोटा सा मेजरमेंट स्केल जैसे कि मैं आपके बोल रहा हूँ बेक हाउस से ले लें और घर बैठे आसान बेकिंग करें अब आप लोग। एक बात और, अंडों को मेजर कैसे करेंगे? नहीं, अंडों को मेजर नहीं करना, एक अंडा, दो अंडे, तीन अंडे, चार अंडे, इस तरीके से आप बेकिंग करें। अगर आप इसकी मेजरमेंट की तरफ आएंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, सम कुछ रेसिपीज ऐसी हैं कि जिस पे हमें जर्दी को मेजरमेंट किया जाता है कि 100 ग्राम 200 ग्राम तब आप करेंगे, या सफ़ेदी को किया जाता है जैसे कि हम आलमंड मैक्रून बनाते हैं तो हम सफ़ेदी को मेजर, लेकिन अगर जहाँ आप फुल अंडे यूज़ करेंगे उसको कभी भी मेजरमेंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अंडों के हिसाब से बेकिंग करेंगे, नहीं तो आप परेशान होंगे, क्योंकि अंडे के डिफरेंट साइजेज़ हैं, 40 ग्राम का भी है, 45 का भी है, 50 का भी है, 60 का भी है, और 65 ग्राम का भी अंडा है, तो आप अंडों को मेजरमेंट नहीं करेंगे। रही बात मैदे का भी एक सवाल है कि सर मैदे को कैसे, तो मैं वही बात करूँगा, एक स्केल लेना पड़ेगा आपको, स्केल लेंगे इंशाल्लाह ताला बेकिंग आसान हो जाएगी,
मैं कहता हूँ घर घर में बेकिंग होगी, हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो लोग परेशान हैं तो वो इंशाल्लाह ताला मेरी इन बातों को फॉलो करें, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इस टिप्स पर चलें, एक वेट स्केल ले लें। कभी भी मैदा ज़ाया नहीं होगा, चीनी ज़ाया नहीं होगी, अंडे ज़ाया नहीं होंगे, बच्चे घर में खूब इंजॉय करेंगे, आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें मज़े मज़े की चीज़ें बना के दें ताकि बच्चे आप लोगों की इंजॉय करें। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ी ख़ास बात थी जो मेरे पास एक मैसेज आया कि सर आप बेकिंग में सब चीज़ें नहीं बताते। तो ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं बेकिंग में सब चीज़ें नहीं बताऊंगा तो आप लोग जो घरों में बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं कभी भी नहीं कर पाते। मैंने जो खुद सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो आप लोगों को सिखाता हूँ। एक एक चीज़ जो मैंने खुद से सीखी है, जो मेरे उस्ताद हज़रात जिनसे मैंने काम सीखा, वो मुझे आज भी मुझसे नाराज़ होते हैं कि यार आप हर चीज़ सिखा देते हो। तो इल्म, जब मैं कहते हैं ना इल्म बांटने से बढ़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म को बांटता हूँ तो मेरे इल्म में अल्लाह पाक इजाफा देता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। आप लोग तो माशाल्लाह सीख ही रहे हैं, सब्सक्राइब भी किया हुआ, जिनको पता नहीं है बेकिंग क्या चीज़ है, जो सीखना चाहते हैं घर बैठे, जो क्लासेस ले रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से क्लासेस उनको शेफ़ लोग नहीं दे पाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी हेल्प से होगा कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट्स में आप लोग मज़ीद मुझसे क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, यानी कि टिप्स के हवाले से, तो ज़रूर गाइडलाइन, मतलब आप कमेंट्स, मैं खुद भी पढ़ता हूँ आपके, और जो हमारी टीम है मेरे साथ, जो मेरे अब्दुल्ला होता है जो कैमरा मैन है, वो भी आप लोगों के मैसेज पढ़ पढ़ के मुझे बता रहा होता है। तो सबसे पहला आप लोगों ने मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मेरी कहीं पे भी आपको नीड हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होता है स्क्रीन के नीचे, आप लोग मुझसे रابطہ कर सकते हैं। कोई भी सवाल बेकिंग के हवाले से आप लोग मुझसे रابطہ कर सकते हैं। हाँ, जब मैं अल्लाह ना करे जैसे कि मैं बीमार हो गया अभी बीच में, तो मैं मैसेजेस के जवाब नहीं दे सका आप लोग, वो एक मेरी मजबूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक आप लोगों को मैसेज के जवाब भी दिए हैं। मैंने आपको भरपूर जो मुझे आता है, जितनी मैं बेकिंग जानता हूँ, जितना मुझे बेकिंग के बारे में पता है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहूँगा ताकि आप लोग घर में बेकिंग करें। वही बात है कि बेकिंग होगी इंशाल्लाह ताला आप हर घर में। अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।